हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो चलिए आज हम बनाते हैं राजमा। आप देख सकते हैं राजमा एकदम हाथ में घुल जाता है। कितने लोगों का कमेंट आता है कि मतलब राजमा घुलता नहीं है, क्या करें। तो चलिए, क्योंकि सबके पास अवेलेबल नहीं होता कुकर फ्रेंड्स, तो चलिए आज हम बनाते एकदम शॉर्ट तरीके से। तो चलिए सबसे पहले मसाला रेडी करते हैं। तो इधर मैंने 2 कप यानी कि 2 चम्मच धनिया मैंने फ्राई कर ली है थोड़ा सा, यानी कि गरम करके उससे इसे कूटना है फ्रेंड्स, मतलब इजीली तरीके से हम बना रहे हैं। तो चलिए, ये हमारा धनिया जो है हो गया है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा ब्राउन कलर का दिख रहा है ना। तो हमारा धनिया हम इसलिए अच्छा बनाते इस तरह की सोना लगता है, इसको हम निकाल लेते हैं। तो देख सकते हैं धनिया निकाल लिया मैंने, डाला काली मिर्च थोड़ी सी यानी 2-4 10 दाना, इसे भी मैंने फ्राई करके निकाल लिया। इधर मैंने 2-4 टुकड़ा यानी छोटा छोटा टुकड़ा था ये दालचीनी का, इसे भी मैं फ्राई कर रही हूँ फ्रेंड्स ताकि कूटने में आसान हो। इसे भी हम निकाल लेंगे फ्राई करके। तो अभी इधर हम फ्रेंड्स जीरा डाल रहे हैं गरम करने को, यानी कि भूनने के लिए। तो इसे भी जीरा के साथ मैंने 1 चम्मच सौंफ डाला है, इससे टेस्ट और भी बढ़ जाता है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। तो चलिए हम इधर बनाते हैं राजमा, क्योंकि राजमा को मैंने उबाल करके रखा हुआ है। तो देखिए फ्रेंड्स, हम तेल डाले उसमें 2-3 तेज़पत्ता और 2 प्याज डाले। प्याज नहीं था फ्रेंड्स, ख़त्म हो गया था, बस इतना ही प्याज मैंने डाला। फिर भी फ्रेंड्स बहुत ही टेस्टी बनता है, आप देखें खाली। तो इधर हमारा ब्राउन हो रहा है प्याज, तो चलिए हम इधर राजमा दिखाते हैं उबाल के रखा हुआ है। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा राजमा है जो मैंने कुकर में उबाला हुआ है और ये 1 से 2 सीटी लगाई हुई है मैंने। तो चलिए हम इसे निकाल लेते हैं राजमा को। तो आलू को मैंने 4 आलू को दिया था, देख सकते हैं हम 4 ही आलू डालेंगे। तो इधर हमारा प्याज हल्का ब्राउन हो गया था, ज़्यादा हमें नहीं भूनना है फ्रेंड्स, क्योंकि और ज़्यादा भूनेंगे ना तो उतना टेस्ट नहीं आएगा। तो हम थोड़ा ही प्याज को भूनते हैं। और उसके बाद मैंने 4 आलू रखा था, दिया था उबालने के लिए राजमा के साथ, वही आलू को मैं इसमें भून करके पकने के लिए देती हूँ फ्रेंड्स। इससे और टेस्ट बढ़ जाता है और थोड़ा थिक भी हो जाता है। तो अब देख सकते हैं हल्का ब्राउन ब्राउन दिख रहा है। तो ये हमारा आलू जो है, मात्र 4 आलू है फ्रेंड्स, छोटा छोटा आलू है, ज़्यादा बड़ा साइज नहीं है। तो आप देख सकते हैं, तो इसे हम भून लिए फ्रेंड्स ब्राउन तक, ब्राउन होने तक भून लिए। उसके बाद मैंने डाला इसमें राजमा। तो फ्रेंड्स, हम मसाला कुछ भी मतलब कि नहीं पहले फ्राई करेंगे भूनेंगे, इसलिए कि हमने तावे में मसाला को भून लिया फ्रेंड्स और अच्छे से भुना है, सोना लगेगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले इसमें पूरा राजमा को फ्राई कर लेते हैं करीब 1 से 2 मिनट। उसके बाद मैं टेस्ट अकॉर्डिंग नमक डाल रही हूँ फ्रेंड्स, अपना टेस्ट अकॉर्डिंग नमक डालें, आपको तीखा फीका जैसा आप खा सकते हो इसे आप डालें। तो इधर मैंने नमक को डाल दिया है, अब चलिए इसे हम भून लेते हैं। इसको सही से पहले भून लेते हैं 2 से 3 मिनट तक, ऐसे उल्टा पुलटा के भूनना है फ्रेंड्स। और उसके बाद इसमें आगे हम मसाला डालेंगे। तो चलिए हम हल्दी डालते हैं, मैंने भून लिया है पूरा। इधर मैं हल्दी डाल रही हूँ अपना कलर अकॉर्डिंग, क्योंकि ये हल्दी फ्रेंड्स थोड़ा मेरा ख़राब आ गया है, मतलब इस बार बहुत ख़राब हल्दी दे दिया है, नए कलर पकड़ता है तो थोड़ा सा ज़्यादा देना पड़ता है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, हम मेरा जो है राजमा और आलू दोनों पक गया है, यानी कि फ्राई हो गया अच्छी तरह से। आप देख सकते हैं राजमा जो था थोड़ा रेड रेड दिख रहा था, तो अब देखिए फ्रेंड्स वाइट हो गया। तो इसमें मैंने गिलास में ही कूटा था मसाला, क्योंकि मेरे पास उखली स्मार्ट नहीं है फ्रेंड्स, तो मैं गिलास में कूट करके रेडी किया मसाला, जो भी मैंने भुना हुआ था मसाला। ये भुना हुआ मसाला है तो इसको ज़्यादा भुनना नहीं पड़ता है। तो 2 से 3 मैंने लाल मिर्च हाथ से तोड़ करके, यानी भून करके हाथ से तोड़ करके उसके बाद मैं इसमें दी हूँ। तो चलिए, हमारा जो है कि मसाला भी भुना गया फ्रेंड्स हल्का। अब इसमें हम अपना जैसा आप खाना चाहें तो रस डाल सकते हैं। तो हमें थोड़ा अगर ना थिक ना पतला, बस किस अकॉर्डिंग चाहिए, मतलब अच्छे से, मतलब खाने में अच्छा हो और ज़्यादा मोटा भी, गाढ़ा भी ना हो पर करी, और ज़्यादा पतला भी करी ना हो। तो आप देख सकते हैं ये हो गया हमारा राजमा। तो पानी डालने के बाद 1 से 2 मिनट तक मैंने पकाया, उससे ज़्यादा नहीं। आप देख सकते हैं गाढ़ा हो गया है पूरा थी।
उतना थिक नहीं हुआ है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा राजमा जो है ठंडा हो चुका है, तो चलिए अब हम सर्व करते हैं। अगर मेरा रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ आप लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स, और जो फ्रेंड्स न्यू हैं तो हमें भी सपोर्ट करें फ्रेंड्स प्लीज़। हाथ जोड़ के विनती है आप लोगों से, जैसे आप लोग सबको सपोर्ट करते हो वैसे हमें भी कीजिए। तो आप देख सकते हैं हम राजमा को जो है हाथ से तोड़ के दिखा रहे हैं फ्रेंड्स, पूरा एकदम टूट गया और मुंह में भी घुल जाता है जैसे खाने के बाद। वह बहुत टेस्टी बना है फ्रेंड्स, अगर आप इस तरह से बनाते हो खाते हो तो आप बनाइए, खाइए और इंजॉय कीजिए।